नवाब मलिक से एक रिएक्शन ले लेता हूं। नवाब मलिक, यू आर अ सीनियर लीडर ऑफ महाराष्ट्र सर, आप महाराष्ट्र की मुंबई की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन सर क्या हुआ, आपकी पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों की नब्ज क्यों नहीं समझ पा रही है? सर डबल नंबर भी नहीं रहा आपके पास बीएमसी के चुनावों में, एक सिंगल नंबर में सिमट कर रह गई आपकी पार्टी। नहीं, शायद आप 15 साल से, ये चौथा चुनाव है जब एनसीपी मुंबई में चुनाव लड़ रही है। हमारी 13 सीटों से अधिक सीटें कभी भी जीत के नहीं आई। इस बार हमें निश्चित रूप से 4 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन कुल मिला के जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें एक पर्याय के रूप में एनसीपी कांग्रेस एक महागठबंधन बनाती तो निश्चित रूप से कोई नतीजे अलग तरह के आते। अब MIM जैसी पार्टियों को अगर भारतीय जनता पार्टी फंडिंग करेगी, मुंबई महानगर पालिका के कुल उम्मीदवारों को खर्च की मर्यादा थी 22 करोड़ 70 लाख रुपए और 500 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए जाएंगे, शहर की सारी होर्डिंगें पोत दी जाएंगी, अखबार पूरे जैकेट भरे जाएंगे। अगर 500 करोड़ के बजट से चुनाव पैसे से लड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से भ्रमित करने का खेल हुआ है। लेकिन जो BJP कह रही थी कि हम एक नंबर पे मुंबई में रहेंगे, हमें लगता है कि नतीजे बहुत ज़्यादा BJP के पक्ष में हैं या मतदाता बहुत हैं। आप नोटबंदी का सवाल उठा रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में अगर सभी दलों के वोट देखेंगे तो BJP से दोगुना से ज़्यादा है। तो अगर उसको मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं NCP के सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं BJP पे भी आता हूं सर। सर BJP क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बन गई, इसलिए क्योंकि पुणे में आपका घर आपने खोया, आपने लातूर में अपना घर खोया। आप सुनिए, लेकिन लातूर में हमारा घर नहीं था, पुणे में एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमें। जरा सुनिए, आप मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमारी पूना में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, हम कांग्रेस के समर्थन से पूना चला रहे थे, ये सच्चाई है। लातूर में कोई महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ है, लातूर के जिला परिषद के चुनाव है, जहां पर कांग्रेस के जिला परिषद में संख्या थी। निश्चित रूप से हम अलग अलग चुनाव लड़े। MIM जैसे दलों को फंडिंग करके भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 सालों से महाराष्ट्र में राजनीति करवा रही है, तो वोटों के बंटवारे का फायदा हुआ है इससे। सर ये इलेक्शन के बाद ये क्यों नजर आता है? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा नवाब मलिक, आई विल कम टू यू, लेकिन मैं अब जाऊंगा डॉक्टर राजू वाघमारे के पास। डॉक्टर राजू वाघमारे, ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस एक के बाद एक अपने सारे गढ़ खोती जा रही है? और महाराष्ट्र तो बहुत पुराना गढ़ था, पृथ्वीराज चौहान के इलाके में आप हार गए, अशोक चौहान के इलाके में हार गए आप, आधी सीटें रह गई BMC में आपकी, क्या हो रहा है ये? नहीं, सबसे पहली बात कि अशोक चौहान जी के गढ़ में नांदेड़ में हमने विजय प्राप्त की है, सिंधुदुर्ग में विजय प्राप्त की है, ये हम मंजूर करते हैं कि ये इलेक्शन में हमें कुछ जितना यश मिलना चाहिए था उतना यश मिला नहीं। लेकिन इसके पहले 2 महीना पहले जो नगर पंचायत का इलेक्शन था उसमें हमने सेकंड नंबर पे, सर आज की बात करिए ना, अब राजू वाघमारे साहब, संजय निरुपम को इस्तीफा देना पड़ गया और अभी भी आप क्रेडिट ले रहे हैं 2 महीने पहले का। मेरी बात तो सुनिए सर, हम कभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी स्थिति कुछ अच्छी है, हमारी स्थिति कुछ गंभीर हो चुकी है। हम इसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हमारे संगठन में कुछ बदलाव लेके आएंगे। आपको क्या लगता है? और हम इस चुनाव में जिस तरह से हम जो पोजीशन पे है उस पोजीशन से नहीं। डॉक्टर राजू वाघमारे, आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि आप एक के बाद एक हर चुनाव में इस तरह से हारते जा रहे? नहीं, हर एक चुनाव में नहीं हारे, हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं। इस चुनाव में हमें कुछ कुछ जगहों के ऊपर हमारी स्थिति कम हो गई है, जो स्थिति थी उससे हम कम हो गए। इसका कारण ये है कि हमारे संगठन में कुछ बदलाव लाना जरूरी है। अच्छा, BJP को बधाई देंगे महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत के लिए? वाघमारे साहब, BJP को बधाई देते हैं इतनी बड़ी जीत के लिए? पहली बात है कि BJP ने पूरे तरह से इस चुनाव के तरीके को, रूल्स को तोड़ के इस चुनाव को जीतने की कोशिश की है। इन्होंने खुलेआम तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए आप लोग? इतना नहीं, हम गए ना, हमने तो तकरार भी की है। तो फिर आपकी बात का असर हुआ इलेक्शन कमीशन में? आज बंबई में हार चुके हैं, आज बंबई में हजार होल्डिंग्स है,
हर होल्डिंग्स को हर हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी अखबार में, हर चैनल में आज इन्होंने इतना पैसा खर्चा कर दिया है, इतना पैसा खर्चा किया है कि उसका कोई लिमिट नहीं। हम इसके बारे में भी अभी चुनाव कमीशन के पास तकरार करेंगे। इन्होंने, इनके जो प्रेसिडेंट है दानवे साहब, इन्होंने तो खुलेआम कह दिया, इन्होंने खुलेआम कह दिया कि अगर कोई पैसा दे रहा है तो आप पैसा ले लो। फडणवीस जी जैसा, सर वाघमारे साहब, वाघमारे साहब वाघमारे साहब, मुझे लगता है वाघमारे साहब, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन हारने के बाद की खीज है। सर आज आप कह रहे हैं बीजेपी ने इलेक्शन का नियम तोड़ा, आप ये कह रहे हैं बीएम इलेक्शन हजार पोस्टर लगाए। सर ये चीज आपको इलेक्शन से पहले बोलनी होती, इलेक्शन कमीशन आपकी शिकायत पर संज्ञान लेता, और अगर होता तो वो होता। अब जब रिजल्ट आ गया तो बजाय ये कहने की कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया, आप ये कह रहे हैं सर कि बीजेपी ने नियम तोड़ के इलेक्शन जीता। ये सही बात है, हम जो बोल रहे हैं उसमें गलत क्या है, ये आप भी समझ सकते हो। हमने ये शिकायत की है, हम आज बात नहीं कर रहे हैं। और अनंत आ रहे ये लोगों ने मोदी गवर्नमेंट और फडणवीस गवर्नमेंट पे अपना ठप्पा लगाया है। जब भी आप पूछ रहे हो कि बीजेपी का महापौर बनेगा या सेना का बनेगा, बॉस ये इनका ये मामला है कि ये दोनों की मैच फिक्सिंग थी। ये मैच फिक्सिंग की तरह ये पूरा इलेक्शन, सर मैच फिक्सिंग थी भी तो जनता ने इस मैच फिक्सिंग को सलाम कहा है। गले में मैच फिक्सिंग थी भी तो जनता ने इस मैच फिक्सिंग को सलाम कहा है। निर्जा जी एक मिनट में आ रहा हूँ, अनंत आ रहे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। नवाब मलिक जी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ सर आपके पास। नवाब मलिक जी आ रहा हूँ, अनंत आ रहे ये मैच फिक्सिंग थी भी, अगर ये मैच फिक्सिंग थी भी तो इस मैच फिक्सिंग के दौरान एक दूसरे पर बहुत कीचड़ उछाला गया और आपके शीर्ष नेता उद्धव ठाकरे तक के ऊपर जांच की बात कह दी गई है। उसके बावजूद क्या कोई विकल्प और है बीजेपी के अलावा? देखो मैं पहले कह चुका हूं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ कांग्रेस के साथ हमारा कभी गठबंधन नहीं होता। दूसरा विकल्प कोई भी नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि ये शिवसेना और बीजेपी साथ में जाएंगे, संजीव वर्मा जी, क्योंकि इनकी ये मैच फिक्सिंग थी और संजीव वर्मा जी ने कहा है महाराष्ट्र की जनता को गुमराह। मैं आ रहा हूँ संजू जी, रुकिए संजू जी, रुकिए, आप सबको बोलने दे रहे हैं पर मेरा तो नंबर नहीं लग रहा है। अरे मैं आ रहा हूँ आपके पास, और भी गेस्ट आ रहा हूँ, रुकिए ना, तो ऑपरेशन करते रहे, इसलिए आपको तो सरकार ने सब सरकार से बाहर निकाला, केंद्र से निकाला, राज्य से निकाला और बीएमसी भी निकाला। यहाँ पे जो संजू वर्मा जी कहा है कि ये शिवसेना से मुंबई और थाना के लिए है, उनको पता है कि हमारे 18 सांसद है, 63 एमएलए है और थाना का पूरा मेजोरिटी आया है, मुंबई में 84 मिले, ये पूरे राज्य में ग्रास रूट तक जाने वाला एक ही पक्ष है जिसको आप आज की बात कीजिए, अभी की बात कीजिए, काम करने वाला पक्ष, इसलिए आज और अभी की बात कीजिए, आप सिर्फ थाने और मुंबई तक सीमित रह चुके हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते। कोशिश किया ये, इन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया, ये शिवसेना हमने कोशिश नहीं की, ओके ओके ओके, संजू वर्मा अनंतारे, ओके अनंतारे, बीवी दस अनंतारे, रुकिए, प्रेसिडेंट ने चालू किया अनंतारे, ओके हाथ बढ़ा देंगे तो हम हाथ मिलाएंगे, अनंतारे अनंतारे, ओके ओके, नीरजा जी मैं आपके पास आऊंगा, ओके 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 ओके, अनंतारे रुकिए, अनंतारे दो मिनट में आपके पास आता हूँ, लेकिन नीरजा जी अब आपके पास आऊंगा और बात आगे बढ़ाते हैं। मैम हम बीएमसी का यूपी इंपैक्ट बात कर रहे हैं आज, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीएमसी के चुनावों में बीजेपी को, या कहे महाराष्ट्र सिविक पोल्स में बीजेपी को जिस तरह से बढ़त मिली, जिस तरह से जीत हासिल हुई, क्या उसका कोई संकेत आप इससे आगे निकलते हुए देखती हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में? और आपको लगता है कि बीएमसी का रिजल्ट महाराष्ट्र में कोई नई पॉलिटिक्स ला पाएगा या कोई और दूसरी, वही जो पॉलिटिक्स आज तक चलती रही है महाराष्ट्र में, एक दूसरे को पहले गाली देना और फिर चुनावों के बाद मिल जाना, वही एक बार फिर से दोहराया जाएगा? दो सवाल है मेरे मैम आपसे। देखिए मैं दूसरा सवाल पहले आंसर करूंगी आपका। थियोरेटिकली स्पीकिंग शिवसेना कांग्रेस के साथ जा सकती है और मेयर बना सकती है, और चाहे वो शिवसेना है, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसीपी है, चाहे एमएनएस है, सबको आज भय है कि एक चढ़ता हुआ सितारा जो बीजेपी रूप में उभर महाराष्ट्र में सबकी बेस को खत्म करता चला जा रहा है, तो ये भय क्या इन लोगों को इकट्ठा कर पाएगा और क्या ये नेचुरल
नेशनल अलायंस होगा, कांग्रेस के लिए बहुत धर्म संकट होगा कि अगर आज वो सपोर्ट करता, अगर मान लीजिए शिवसेना उनकी मदद मांगती है, और मुझे जहां तक पता चला है कि शिवसेना के नेताओं ने बैक चैनल से कांग्रेस की तरफ हेल्प मांगी है, क्या सही है क्या नहीं, यहाँ जो बात आ रही है सामने, क्या कांग्रेस ये करेगी तो यूपी के ऑनगोइंग चुनाव में माइनॉरिटी वोट पे कितना असर पड़ सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। ठीक है, ओके, इसको नकार नहीं पाएगी। ओके ओके, ओके।